नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेलो टेक वर्ल्ड पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ऐसी खास इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं या सिस्टम यूज़ करते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप नए यूज़र हैं अभी आपने सिस्टम चलाना सीखा है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो आपका, चाहे डेल हो, लिनोवो हो, एचपी हो, कुछ भी हो, एसर ऐसे कुछ भी हो, आप कैसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से अपने सिस्टम के सारे ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स कैसे इंस्टॉल कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपका कभी कभी होता है कि आपका सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। आप मान लीजिए 8.1 कर लिया या 7 कर लीजिए या 10 कर लिया आपने इंस्टॉल, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको विंडोज़ अपडेट करनी होती है। विंडोज़ अपडेट करने के लिए तो सबसे पहला अपडेट आता है विंडो का, कम से कम 2 से 2.5 GB का होता है। तो वो 2 से 2.5 GB का अपडेट करने के लिए आपको दो, या सबसे पहली चीज़ 2.5 GB डेटा गया, उसके बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटा आपका लगेगा उसको डाउनलोड होने में, उसके बाद आधा घंटा उसको लगेगा इंस्टॉल होने में, ठीक है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर बताऊंगा उसमें क्या है, आपका सिर्फ लगेंगे 10 मिनट, गिन के 10 मिनट लगेंगे आपके सारे ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर्स और सारे प्रोग्राम्स सिर्फ 10 मिनट में सबके सब इंस्टॉल होकर आपका रेडी हो जाएगा लैपटॉप। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, नए जो CS करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो जो नए नए सीखते हैं तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर लेते हैं सेटिंग्स में छेड़छाड़। इससे क्या होता है कि उनके सॉफ्टवेयर ज़्यादा क्रैश होते हैं, उनका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। तो ऐसे में उस पर क्या होता है कि उनको बार बार जाना पड़ता है सर्विस सेंटर के लिए, क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज उस समय होती नहीं है, तो उनको जाना पड़ता है बार बार सर्विस सेंटर। और सर्विस सेंटर वाला करता है क्या, वो भी सेम यही चीज़ करता है, नई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेता है प्लस एक सॉफ्टवेयर उसके पास होता है, उससे वो सारे अपने ड्राइवर्स, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इंस्टॉल करके उसे दे देता है। तो आज मैं यही टेक्निक, जो भी ट्रिक है वो आज मैं आपको बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट में आप अपने लैपटॉप को रेडी कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को ठोक दो, ठीक। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर दो, और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। तो ब्राउज़र खोल लेते हैं हम, क्रोम पे चले जाते हैं, आपका जो भी ब्राउज़र है आप वहाँ पर चले जाइए। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको getintopc.com खोल लेना है, getintopc.com, और यहाँ पर एक सर्च बार आएगा, यहाँ पर आपको DRP सर्च करना है, ठीक है। वैसे मैं लिंक आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट फिल करके यहाँ पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर अपना खोलना चाहें तो यहाँ पर से getintopc.com और यहाँ पर सर्च बार में DRP डाल दीजिए। DRP डालते ही आपको ये 22 रिजल्ट्स दिखा देगा, ये सारे ही एक ही सॉफ्टवेयर हैं लेकिन ये अब मतलब अलग अलग वर्जन के हैं, ठीक। तो आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड कर लेना है, ये है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन 17.7.56, ठीक है, ये इसका वर्जन है। यहाँ पर ये सब कम वर्जन वाले हैं, देख लीजिए 15 वर्जन, 16, 17.4, ये है 17.7। अब आप इस पर क्लिक करते, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी इस सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कैसे उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो को, नहीं तो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कैसे करना है। आप इस पर क्लिक करते ही बस 5 से 10 सेकेंड के अंदर आपकी वीडियो, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते ही आपको करना क्या है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते ही आपको जाना है अपने सॉफ्टवेयर जहाँ पर वो डाउनलोड हुआ है, वो ऐसी जिप फाइल में डाउनलोड होगा, ठीक है, यानी कि वो जिप फाइल होगी। आप उसको क्या करना, अनजिप करना है उसको। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, विनरार, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसको अनजिप करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक ऐसा फोल्डर मिलेगा, आप उसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 7 फोल्डर 7 दिखाई देंगे, उसमें से सबसे लास्ट वाले में जो ड्राइवर पैक लिखा हुआ है आपको इसको रन कराना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। राइट क्लिक करिए और वहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर दीजिए और इसको दे दीजिए परमिशन। अब यहाँ पर एक इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, उस पर आपको जो भी आपके सिस्टम के ड्राइवर्स हैं वो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपके सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या ड्राइवर्स हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे।
अब आपके यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली और एक्सपर्ट मोड। तो आपको जाना है एक्सपर्ट मोड में। इंस्टॉल ऑटोमेटिकली करेंगे तो आप वहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है सारे ड्राइवर्स की लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिए इतने ड्राइवर्स हैं, ठीक है। अब इतने में से मेरे को चार, मेरे में दिखा रहा है कि मुझे चार अपडेट करने हैं, बाकी तो मेरे सारे इंस्टॉल हैं। लेकिन जब आप नया सिस्टम अपलोड करेंगे, वो मतलब जब आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सारे इंस्टॉल करने होंगे, तो आपको सारे पे क्लिक दिखा देगा, ठीक है। आपको बस करना क्या है, ये क्लिक होते ही आपको यहाँ पर इंस्टॉल ड्राइवर्स कर देना है। इंस्टॉल ड्राइवर करते ही यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होते ही थोड़ी देर बाद आपको, जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, आपको इस अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। बस रिस्टार्ट होते ही आपके सारे ड्राइवर्स अपडेट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, कोई भी साइट पर जाके कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर और आपका सारा का सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है 4x5, यानी मेरे सिर्फ 5 थे, 4 हो चुके हैं। तो होते ही आपको बस इसको, जैसे ही आपका 100% हो जाएगा, आपको बस रिस्टार्ट कर देना है अपना सिस्टम और बस आप इंजॉय करिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।